किया है और मनाने की सारी क्रियाएं निष्फल हो चुकी है। मान करना ये भी एक कला और मनाना ये भी एक कला। अनंत ब्रह्मांड में ये कलाएं पूरी पूरी केवल किशोरी जी को आती है, वो भी अकेले नहीं। मान करने की कला तो केवल किशोरी जी को आती है, किंतु मनाने की कला केवल ठाकुर जी को आती है। हो सकता है कि कभी ठाकुर जी ने भी मान किया हो सकता है कभी किशोरी जी ने भी मनाया हो, क्योंकि ये प्राकृत प्रयोग है। सदा का जो नियम है, जैसे कोई आर्य होता है, कोई शोध का होता है, तो जिस सब्जेक्ट में जो विशेषज्ञ होता है उसी का डॉक्टर कहा जाता है। डॉक्टर तो सभी चीजों का है, एमबीबीएस हो गया का मतलब वो डॉक्टर है ही है, लेकिन वो साधारण ज्ञान होता है। ऐसे ही मनाने का ज्ञान किशोरी जी को साधारण है और मान करने का ज्ञान ठाकुर जी को साधारण है। तो जब इन दोनों का ये हाल है तो फिर महापुरुषों को तो उनसे भी कम ज्ञान होगा, फिर गधों को क्या ज्ञान होगा। वैसे तो आप लोग सोचते होंगे कि हम भी मारे किए हैं, हमको भी हमारी दीदी ने मनाया है, ऐसे गले पे की बात है। मान क्या है, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब मान जाना चाहिए, ये सब बड़े लपे खुले पैमाने की बातें हैं। इसकी रीडिंग किसी जीव को नहीं होती, ये सर्वज्ञ ही कर सकता है। महापुरुष तो खैर कर सकते हैं, लेकिन और कोई भी स्वर्गाधिक लोगों के जीवन भी नहीं कर सकते। तो किशोरी जी ने मान किया, मान यही एक विशेषज्ञ है और मान भी बहुत प्रकार के होते हैं। मान शब्द से केवल आप लोग इतना ही समझते होंगे रूठ जाना, लेकिन रूठ जाना इतना जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें हैं मान ली जानी, अगर बरसों हम बताएं तो भी ये पूरी होगी, इतनी बातें हैं। लेकिन इतना संक्षेप में समझ लीजिए, उसमें बहुत से क्लासेस हैं। जैसे उनको सरकारी दृष्टि से किसी को गुस्सा भीतर दबा दिया, एक गुस्सा आया वो आंख भाव के ऊपर आ गया, एक गुस्सा आया गाली गलौज के ऊपर आया, एक और गुस्सा आया हाथ पैर चलने लेके मारपीट के ऊपर आया, एक गुस्सा ऐसा भी आता है आत्महत्या कर लेता है। जैसे गुस्से की तमाम सारी लिमिट है, क्लासेज है, ऐसे मान के भी तमाम कक्षाएं होती है। तो ये आज का मान उच्च कक्षा का निम्न स्तर का नहीं है, इसलिए ठाकुर जी की मनाने की सारी कलाएं निरर्थक हो गई। ये टॉप करने वाले और वे भी आज असफल हो गए। तब उन्होंने एक तरकीब खेली, गुरु जी से मिलना तो है, अब कैसे मिला जाए? तो उन्होंने कहा कि अब मालिन बनाना है, मालिन माला जी से मिलाना। तो मालिन बनकर ठाकुर जी गुरु जी के महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और माला साथ साथ में कोई माला ले लो, कोई माला ले लो, और फूलों के नाम भी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जो आम तौर से मृत्यु के न होते हैं। अगर साधारण गुरुओं का नाम लेंगे तो सुनील जी का है तो साधारण बारे में से हरी डेरी रस्सी खड़ी है, लेकिन पारिजात की माला हम लाए हैं। पारिजात कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है, जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा कोई संसार में भी जो दुकानदार होते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप लोग सुना होगा टीवी पर रेडियो में पेपरों में लंबी चौड़ी बातें लिख देते हैं तो भोले भाले लोग कहते हैं ये बड़ी अच्छी दवा होगी और उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो खैर ठाकुर जी के लिए तो कोई असंभव बात नहीं है, चाहे पारिजात का पुष्प की माला बना लें चाहे ऐसा कर ले, उनको तो केवल संकल्प करना है। तो ऐसे नारे लगाए कि पहले शक्तियों को आश्चर्य हुआ, ऐसे फूल तो फूलों का नाम सुनकर के शक्तियां गई पहले, फिर मालिन का रूप देखा तो जिस रूप में शक्तियां अनाधिकार से मुक्त है उस रूप को के किसी अंग को भी देख लेगी। जैसे लौह चुंबकात्मा, जैसे लोहा और चुंबक ये दोनों पास पास रख दो तो चुंबक अपना काम करे तो खींचेगा, उसको घट में रख देने से कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपना प्रभाव बना दे। तो ठाकुर जी मालिक बने थे, घूंघट में भी थे, सब तरकीबें लगाए थे, कोई पहचाने न जाने न, आंख से आंख मिलाते रहे थे, फिर नीचे आंख नीचे यूं देखते थे, फिर सावधानी से काम किया इसे डकैत लोग संसार में आते हैं, उनकी शहरों में पिक्चर देखते हैं, सब फंक्शन अटेंड करते हैं, लेकिन उनकी सब तरकीबें होती है, सब किधर देखना कैसे देखना और निर्भीकता से रहना कोई काम तकलीफ कर, ये कला होती है, हर एक नहीं कर सकता। अभी कोई अच्छा खासा आदमी से कहा जाए कि तुम ये चीज चुरा करके और ऐसे बैठो जाके तो उसको देखता रहेगा, कोई देख जाए कोई जान नहीं कोई परेशान नहीं लगता वो पकड़ जाएगा। एक आदमी था, हमारा कर्मी था, उसने बहुत सफर किया ट्रेन में और कभी टिकट नहीं लिया। तो बहुत सारी पुरानी बातें हमने कहा छोड़े, न कोई रेलवे में है और न तेरी कोई बड़ी पावर है कि हाँ भाई हाँ रेलवे के आदमी हमको परिचित है और कभी टिकट भी नहीं लेता, कहीं तो निकल जाता है। क्योंकि महाराज मेरे पास आपके लिए बताओ एक मंत्र है, हमने कहा करा करेगा मंत्र वापस एक बार चांस लग गया कि मेरे साथ जा रहा था, सचमुच उसने उस कैरेक्टर के कान में पता नहीं क्या एक सेकंड में कुछ कहा और मसला हमने कहा क्यों तुमने क्या कहा उसके कान में महाराज जी तो वो कैसे बता दे। हमने कहा कि मैं गद्दू की सभा करूंगा क्या, अरे उसको न बताना कि गद्दू की सभा करने का प्लान। तो फिर महाराज मंत्र निर्भय होकर के उससे कह देते हैं साफ, लेकिन वो बोलने की शैली और निर्भयता होनी चाहिए। अगर जरा भी कंपन हुआ और जरा भी पेट में गड़बड़ी हुई तो पकड़ जाएगा। तो डकैतों को ऐसी योग्यता होती है छुपने की, तो ठाकुर जी को साफ करते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं जो पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए वो तो कांपते ही है। तो उन्होंने सब चालाकी कर रखा था किसी प्रकार को बता सके, लेकिन जिस शरीर के रोम रोम से परिचित है गोपियां दो लोग से अधिकार से ललकार जाता है, उनको आकर्षण हो ही रहा था, कोई ठीक रहा है कोई ठीक रहा है भीतर, ऐसा तो कोई नहीं खींच सकता हो श्याम सुंदर के सिवा और कोई नहीं खींच सकता है। और खींचने वाली आ रही, या तो श्याम सुंदर खींचे या तो सूर्य जी खींचे, और लड़का राखा तो और खींच सकता है बिल्कुल तो वो खींची चली आई आकर्षण से, नेचुरल, बिना देखते सकल, और जब पास में आ गई तो कुछ देखने की चेष्टा किया, उम्र भी उसकी सब कुछ बात थी, लेकिन इसलिए स्त्रियां स्त्रियों को देखने में बड़ी चालाक होती है, उनको लुभ्यता होती है, उनको बड़ी होती है। वो तमाम बातें नोट कर लेती है एक मिनट के अंदर, तो डाउट हो गया। लेकिन क्या सुंदर है, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं, एक कोई विलक्षण लड़की है, अलौकिक लड़की है, कोई विलोक की नहीं है, ऐसा कुछ अजीब आकर्षण हुआ कोटियों को जाकर बनाने की जगह। एक मालिक है, मालिक तो बहुत हर क्लास की औरतें होती है जो काम करती है, उनका न कोई रूप होता है, न रंग होता है, न कोई योग्यता होती है, ऐसे काली कलंकी साधारण की होती है। बहुत से कालियों को गया लगा हुआ श्याम सुंदर में जो कार्य करें उसी बच्चे गए तो ज्यादा तो किशोरी जी ने कहा, हाँ ऐसे सिमाला लाइए, अभी तुम लोग तारीफ कर रहे हो मालिक की, आश्चर्य। बोला एक तो किशोरी जी परेशान थी, जो मान करता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सरकारी आदमी पर रखा गया है, ऐसा नहीं, तो बराबरी का मामला है ना। किशोरी जी और ठाकुर जी का, तो किशोरी जी परेशान होती ही, संसार में जब कोई भी परेशान होता है किसी कारण से हो, तो एंजॉयमेंट के लिए कुछ न कुछ होता है। उसने कहा जल्दी को बुलाओ, देखे भाई क्या बात में कैसी है और कैसी कुल माला की तुम लोग बातें कर रही हो, पारिवार की इसकी उसकी। अब ठाकुर जी को प्रवेश मिल गया महल में, किशोरी जी के सामने पहुंच गए। ठाकुर जी ने कहा चलो दर्शन हो गए, आगे आ जाए, तो अगर आउट हो गए तो उनके ठाकुर निकाल के जाएंगे और क्या इसकी तरह तो है नहीं, कम से कम दर्शन तो हो गए और बाकी जो होगा भविष्य, तो भविष्य तो क्या बता के, क्योंकि इतने सारे पार्टी चारों ओर से घेरे और एक ठाकुर जी अकेले, उनको बचना है और प्रश्नों के उत्तर भी देना है, बैठना भी है उसके सामने, तमाम सारी बातें हैं, प्रेम को छुपाना भी है। अगर कहीं किशोरी जी को देखते ही भाव का उद्वेग हो गया, उनको चढ़ाव हो गया और सात्विक भाव को दबाए गए, तो कब तक दबाए गए, ये शक्ति भी लोग आया होती है, दबा देते हैं सात्विक भावों को, खत्म करे कभी तो बंदा हो जाएगा। लेकिन अब सीरियस मामला है, जो कुछ होगा तो लेने पड़ेगा। तो ठाकुर जी सामने पहुंचे, अब किशोरी जी सिंहासन से उठी और दूर से ही आवाज दिया, उसने सलाम सलाम किया किशोरी जी को, मालिक ने लगाओ माला बेचने वाली, माला बेचने दाढ़ी नीचे उतार, क्या क्या फूल माला है मेरे पास। सखियों ने तो मालूम की तारीफ भी की थी, लेकिन महारानी है वो तो बात देखा जाएगा, पहले महाराज तो देखें क्या क्या लाई है। तो हंसी का लाली बनवाली से एक काम सुना और फिर थ्योरी बोली। तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे फसल का नाम क्या है? 3 सवाल एक साथ आप ठाकुर जी के होठों से कि अगर तीनों सवाल साधु ने कहा घबराओ नहीं, घबराए नहीं, तो 3 सवाल किशोरी जी के एक साथ हुए, एक ही सेंटेंस हुए। अब तीनों का जवाब ठाकुर सोचिए। माला जाते हैं वो कोई निमित्त बुद्ध को हुआ तो बुधिया रख दिया, कोई काला काला हुआ कल्लो रख दिया, ऐसे रख देते हैं लोग। तो ठाकुर जी कारण तो काला था ही और नीच जाति में पैदा हुए, भले मालूम है तो मालिक के यहाँ ऐसे ही होता है। उनका काली काली उनके का सांगी नाम रखते जग जाता थी। अच्छा सा नाम बता रहे बाबा, मालूम की जाति और क्या नाम बता रही हो, चंद्रावती जो भेष धारण किया है उसी के अनुसार नाम होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा सरकार मेरा नाम सांवरी, सांवरे रंग की है, सांवरे नाम रख दिया हो। हाँ, हमारे बाप का नाम और पति का नाम। तो कृपाल के राज्य कहते हैं सरकार मेरे बाप नहीं है, पति नहीं है, मेरे बाप नहीं है, पति नहीं है। ठाकुर जी दुख बोलते नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है। आप लोग ये भी जानते हैं कि ये तो आयुमान भूतान जाए थे, सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान किसी से उत्पन्न नहीं होता। उसका पिता कहो, सबके पिता होंगे, बिना पिता के कोई विश्व में नहीं होगा, लेकिन जो जगत पिता है उसका कोई पिता नहीं होगा। अगर उसका कोई पिता हो जाए तो वो हो जाएगा भगवान, ये भी ठीक कहा। और भरतार भी कोई नहीं हो सकता भगवान का, भगवान का भरतार कौन होगा, विश्व भरतार तो वही है। तो ठाकुर जी ने जवाब ठीक दिया और भोलेपन के हिसाब से ठाकुर जी ने जवाब इसलिए दिया कि बाप पढ़ने की नहीं है तो झगड़ा खत्म, काहे की जुबानी करेगी। अरे भाई बाप मर गया हो सकता है। और पति ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत सी बार विवाह हो जाती है। इसलिए पति भी नहीं है, ठीक है, नहीं है का मतलब ये भी नहीं कि मरी गया तलाक हो गया हो। तो ऐसा जवाब देना चाहिए बोल बोल पकड़ लेना। तो मतलब सुतालू किया कल से सब जवाब दिया है उनकी तो हालत खराब थी जवाब देना। हमारी जवाब दे रहे हैं। आंख से आंख मिलने की सुन कोई संतों का स्वभाव नहीं हो सकता। अभी तो किशोरी जी की आवाज की मिठास में ही हालत खराब है, और अगर हाथ से हाथ मिल जाएगी तो उसको सब चौपट ही हो जाएगी, पूरी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने कहा सौंदर्य के जवाब दे दिया। किशोरी जी ने कहा है कि घूंघट को लगाए हुए, घूंघट तो पुरुषों के सामने हुआ सकता है, स्त्रियों का स्त्री के सामने तो घूंघट बेकार की स्त्री संसार में ऐसा कहीं नहीं होता। अरे कोई पुरुष भी हो तब तो घूंघट की बात हो, और ये भी नहीं कि यहां कोई सांप वगैरह है। और फिर माला बेचने वाली की हैसियत क्या, जो 10 बजे घूम रही है माला बेच रही, कोई पुरुष खरीदेगा, उससे भावताव करेगी, पैसा लेगी, वो क्या सिर नीचे करके कहेगी लाओ क्या, जो ये पैसा करेगा तो उनका पता चलेगा कैसे, उसको बोलना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, बहस भी करनी पड़ती है, कोई डांटता है, कोई फटकारता है, कोई दाम में कटक करता है, बेचने वाले के साथ बहुत सी बातें होती है। तो जोड़ी जी ने कहा घूंघट को खोल, घूंघट को काले हुए एक नई बात थी, ठाकुर जी के लिए यही एक बात थी, और वो लोग की दृष्टि से नई थी, और उसमें कृपालु कुछ कर नहीं सकता। अगर कृपालु कहे घूंघट उठा दो तो बंदा हो गया, और घूंघट न उठाओ तो बोलिए उसको चलो गया, घूंघट खोलो, घूंघट से क्यों बात कर रही है उससे, और फिर महारानी से कोई ये साधारण स्त्री हो तो चलो भाई उससे ऐसी वैसी बात चलती जाए, वहां पावर चलेगा। तो ठाकुर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, न घूंघट को उठाया, न कुछ बोले, और न भागे पकड़े गए, भागते रहे। अब क्या करें तो क्या करें, क्या घूंघट खोले तो मुसीबत, न खोले तो क्या जवाब दे, और अगर डर के बारे भागे तो और पकड़े गया, तमाम सखिया चारों ओर से घेर के कहां जा रही, क्यों जा रही, बात क्या है, इसको खतरनाक करो, पकड़ो इसको। और पोजिशन ऐसी आगे खतरे की उस समय कि ठाकुर जी को तीन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी जहां बुद्धि कुछ न सोच सके, शून्य हो जाए पत्थर की तरह, ऐसे हो गए ठाकुर जी। तो कृपालु ने कहा ठीक है, कोई हर्ष नहीं करेंगे, चलो माला का एक और जुट है ना, अगर हेल्प कर देता और ठाकुर जी की पोल न खुलती तब बात बिगड़ जाती, तो मानभंग कैसे होगा, या प्रीतम का मिलन कैसे होगा। इसलिए कानून ने कहा मैंने अभी तक तो हेल्प की, अब मैंने सुनी अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ठाकुर जी अपना पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले सिर नीचे किए बैठे रहे। किशोरी जी ने कहा बड़ी शर्मीली है, आजा ले मैं घूमट को देती। अब ये सौभाग्य कैसे मिलता अगर कोई तरकीब बता दी जाती तो बचे। जब किशोरी जी का कर्ज भी मिल गया बिना मांगे, फ्री फंड में मिल गया। अब किशोरी जी घूंघट खोलेंगी तो उसके कंधे पर हाथ रखेगी ही। घूंघट कैसे खोला जाता है, एक कंधे पर हाथ सामने घूंघट खोला तो स्पर्श तो मिल गया, दूसरा काम भी बन गया दर्शन फिर स्पर्श। अब तीसरा देखा जाएगा हो न हो, दो बात बदल गई। तो किशोरी जी ने ठाकुर जी के घूंघट को उठा दिया। आपने सोचा होता है माला और इसी आधार बुलाए गए थे ठाकुर। तो आंखें चार हो गई। धुआं हटा तो ठाकुर जी ने दर्द देखा और किशोरी जी को देखना चाहिए। ऐसी क्या बात है इस मालूम में कि ललिता पिता का प्रशंसा कर रही है उसके अनंत को की रति को ललिता के चरणों में दोस्ती है। जो सबसे सुंदर स्त्री है सहयोग के सारे ब्रह्मांड चुने उसका नाम है रति और सबसे सुंदर को उसका नाम है कामदेव। तो अनंत को की रति तो ललिता के चरणों में दोस्ती है। फिर ललिता तारीफ करे जिसकी वो तो फिर किशोरी जी के बराबर हो गए। ये आजकल हो गया किशोरी जी को है कौन हो और किस लोग की आई है कौन राम देखू तो इसलिए उनको तो आंख देख नहीं था खास तौर पर। और ठाकुर जी की आंख ऊपर पहुंची गई स्वाभाविक है तो ढूंढ उठाएगा तो आप कोई क्या हस्त हो गई आंखें चार हो गई जैसे भी हो गई माला तो उन्होंने बताया तो हमने लिख दिया। Hey, क्या